हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वाग में स्वागत करता हूँ। अगर आप कुछ दिनों से हैगो एप्लीकेशन के यूज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जैसे हैगो एप्लीकेशन के अंदर जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करने जाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो अकाउंट है वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। आप सोचते हो कि शायद आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो नेटवर्क है उसकी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। हैगो एप्लीकेशन जो है इंडिया से परमानेंटली बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप जैसे हैगो एप्लीकेशन के अंदर जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करने जाते हो तो आपकी जो अकाउंट है वो वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके दिल में जो हैगो एप्लीकेशन को लेकर चार सवाल घूम रहा है उन चार सवाल के जवाब दूंगा। पहला जो है, हैगो एप्लीकेशन को बैन क्यों किया गया है? और दूसरा जो सवाल है, 59 चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया से लगभग एक महीने हो गया बैन होने को, लेकिन फिर भी हैगो एप्लीकेशन जो है ये बैन होने के बाद भी इंडिया पे चल कैसे रहते? और तीसरा जो सवाल हैगो एप्लीकेशन इंडिया पे फिर से वापस आएगा या फिर नहीं? और चौथा जो सवाल है कि अभी हैगो एप्लीकेशन के बदले में आप कौन सा एप्लीकेशन की यूज कर सकते हो? मतलब ज्यादातर लोग जो हैगो एप्लीकेशन की यूज करते थे उनमें से ज्यादातर लोग अभी कौन सा एप्लीकेशन की यूज कर रहे हैं? तो आपके दिल में जो ये चार सवाल है इन चार सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। अगर आपके दिल में भी ये चार सवाल है और आप जानना चाहते हो हैगो एप्लीकेशन की इन चार सवाल के जवाब, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो पहला जो सवाल था, हैगो एप्लीकेशन बैन क्यों किया गया है इंडिया से? सिर्फ हैगो एप्लीकेशन ही नहीं, 58 और चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया से बैन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्हें लगता है ये जो 59 चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया से बैन कर दिया गया है, जितना सारा इंडियन यूजर ये सारे एप्लीकेशन की यूज करते थे उन सारे यूजर की पर्सनल डाटा बाहर में लीक कर रहा है और इसका गलत फायदा उठा रहा है। इसी की वजह से 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिया गया है, उसके अंदर शामिल है ये हैगो एप्लीकेशन भी, जिसकी वजह से हैगो एप्लीकेशन को इंडिया से बैन कर दिया गया है। आप बात करते हैं दूसरा सवाल के बारे में कि इंडिया से तो लगभग 59 जो चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिया गया है ये लगभग एक महीने होने को आया, फिर भी इंडिया में बहुत से जगह पे हैगो एप्लीकेशन को यूज कर रहे थे लोग, लेकिन इतने दिन बाद इंडिया में बैन क्यों किया गया है? तो इसका जो जवाब है, जिस दिन हैगो एप्लीकेशन के साथ साथ 58 और चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था उसी दिन से इंडियन प्ले स्टोर से इन 59 चाइनीज एप्लीकेशन को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से कोई नया यूजर इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो एप्लीकेशन लोगों के फोन में पहले से इंस्टॉल किया हुआ था उनमें से बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फाइनली ये दो तीन दिन पहले इस हैगो एप्लीकेशन का जो सर्वर है उसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरा डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो हैगो एप्लीकेशन है ये किसी की फोन में पहले से इंस्टॉल किया हुआ होगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। जैसे टिकटॉक की सर्वर को इस तरह से डाउन कर दिया गया है उसी तरह से हैगो एप्लीकेशन की जो सर्वर है उसे भी डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपके फोन के अंदर हैगो एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किया होगा भी तो आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से और जो 59 चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया से बैन कर दिया गया है, एक एक करके सारे एप्लीकेशन की जो सर्वर है इंडिया से डाउन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल के जवाब के बारे में कि ये जो हैगो एप्लीकेशन है ये इंडिया पे वापस आएगा या फिर नहीं? तो इंडिया से जो 59 चाइनीज एप्लीकेशन इंक्लूडिंग हैगो इन सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है, इसकी वजह से कि इन सारे एप्लीकेशन की इंडिया में जितने सारा यूजर है उन सारे यूजर की पर्सनल डाटा को बाहर लीक कर रहा है, तो इसी के चलते हुए इन सारे एप्लीकेशन को इंडिया से टेम्पोरली बैन कर दिया गया है। अभी तक इन सारे एप्लीकेशन को परमानेंटली बैन नहीं किया गया है और इसका जांच चल रहा है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये सारे एप्लीकेशन इंडिया की जो यूजर था उन सारे यूजर की पर्सनल डाटा को बाहर लीक कर रहा था तो इंडिया से ये सारे एप्लीकेशन परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। तो अभी तक इन सारे एप्लीकेशन को इंडिया से परमानेंटली बैन नहीं किया गया है, बस टेम्पोरली बैन कर दिया गया है और इसका जांच चल रहा है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो इन सारे एप्लीकेशन को इंडिया से परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। तो हो सकता है जो हैगो एप्लीकेशन है और बाकी जो 58 चाइनीज एप्लीकेशन और बैन कर दिया गया था उन सारे एप्लीकेशन वापस भी आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। अब बात करते हैं जो चौथे सवाल था कि अभी आप हैगो एप्लीकेशन के बदले में कौन सा एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, मतलब जितने सारे हैगो यूजर हैगो एप्लीकेशन को यूज करते थे उन सारे यूजर अभी कौन सा एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं? तो उस रिलेटेड मैं पहले एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की लास्ट में दे दूंगा, आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हो। और इसके बाद भी मैं एक दो वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा आज की डेट पे दो एप्लीकेशन ऐसा है जो दो एप्लीकेशन को लोग पसंद कर रहा है, जो दो एप्लीकेशन को हैगो एप्लीकेशन के बदले में लोग पसंद कर रहे हैं, उन दो एप्लीकेशन के नाम है ओलापटी और एक है बाका। तो ओलापटी और बाका एप्लीकेशन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हैगो एप्लीकेशन के बदले में, आप चाहो तो इन दो एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो और आप हैगो एप्लीकेशन के बदले में इन दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे ये दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके दिल में हैगो एप्लीकेशन को लेकर ये चार सवाल घूम रहा था तो आपका आपका जवाब मिल गया होगा।
तो आगे चल के आप इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नए नए जानकारी देखना चाहते हो तो आप टेक्निकल स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आई हुई घंटी को दबा के ऑल बटन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसी होगा मैं आगे चल के इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और भी कोई वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल तक चला जाएगा। इसके अलावा आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप उस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे आपके टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाने का। तो आज का वीडियो पे बस इतना ही, मिलते आगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।